आई ब्रांच में आपको पॉजिटिव तस्वीर देखने को मिलेगी। यहां जिनके घरों में शादी है उनका खाता SBI में है, वो लोग SBI के ब्रांच में जाकर आसानी से 2.5 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं। यहां उन परिवारों के लिए अलग काउंटर बनाया गया है जिनके यहां किसी की शादी है। अब तक ऐसे 9 लोगों को 2.5 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 17 तारीख को यह दिशा निर्देश आया, 18 को हम लोगों ने एक भुगतान किया, मात्र एक ही आवेदन मिला था 18 तारीख को। 19 तारीख को हमें 8 आवेदन प्राप्त हुए और सारे आवेदन का भुगतान 19 तारीख को कर दिया गया। अब तक हमने 9 लोगों का भुगतान किया है और अभी खगेश जी का आवेदन प्राप्त हुआ है आज जस्ट नाउ, तो इनका भुगतान का प्रोसेस चल रहा है, 10 मिनट के अंदर इनका भी भुगतान कर दिया जाएगा। शादी कब है आपके? 24 नवंबर 2016। बेटी की शादी है या बेटा? बेटी की शादी है। तो आप जब आए, अब तक ये कहा जा रहा है कि पैसों की निकासी में काफी परेशानी हो रही है, तो आपको कोई परेशानी नहीं? जी ना, पैसों की निकासी में कोई परेशानी नहीं है। वैसे जिनके घरों में शादियां उनके लिए अच्छी खबर मैं आपको बता दूं, आज देर शाम रिजर्व बैंक ने ऐसे परिवारों के लिए जहां पर शादियां हैं एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उम्मीद यह है कि कल से सभी बैंक इन परिवारों को 2.5 लाख रुपए देने लगेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें सबूत के तौर पर शादी का कार्ड देना होगा और उन लोगों की लिस्ट देनी होगी जिन्हें पेमेंट की जानी है। बेहतर होता है नोटिफिकेशन ऐलान के साथ ही जारी कर दिया जाता, कंफ्यूजन नहीं होता और ना ही लोगों को पैसों के लिए भटकना पड़ता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हालांकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि सरकार का फैसला अच्छा है, प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन की है,